फाउंडेशन ने डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा की पुण्यतिथि के अवसर पर अंबाला में एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस शहर के मरीजों के लिए फ्री में उपलब्ध रहेगी। बता दें कि आज आईकेजे केयर फाउंडेशन ने डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा की पुण्यतिथि पर अंबाला में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर शहर के गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर आईकेजे केयर फाउंडेशन ने डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा की पुण्यतिथि पर अंबाला क्षेत्र के मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की। यह एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों के लिए 24 घंटे बिल्कुल फ्री उपलब्ध रहेगी और यह एम्बुलेंस आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस होगी। वहीं आईकेजे फाउंडर मेंबर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने बताया कि अंबाला के लिए यह फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में एम्बुलेंस की काफी कमी है। 130 करोड़ जनसंख्या पर मात्र 35,000 के करीब एम्बुलेंस है। आज हमारी संस्था ने पहली एम्बुलेंस शुरू की है और उम्मीद है आने वाले समय में जल्द ही इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि बीमार मरीजों के इलाज में देरी ना हो सके। वहीं आईकेजे के चेयरपर्सन राधिका चीमा ने बताया कि इस एम्बुलेंस में आधुनिक सुविधाओं से लैस उपकरण मौजूद होंगे। इस मौके पर डॉक्टर संजीव जुनेजा की मां उषा जुनेजा भी मौजूद रही। इस मौके पर सभी ने इंद्र कुमार जुनेजा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उषा जुनेजा ने हरी झंडी दे एम्बुलेंस को लोगों के सेवा के लिए समर्पित किया। आज हमने अपने एक नए प्रोजेक्ट आईकेजे केयर फाउंडेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट करते रहते हैं। आज हमने नए प्रोजेक्ट का शुरुआत की है, प्रोजेक्ट एम्बुलेंस। जैसा कि मैंने यह बताया कि इंडिया में सिर्फ 35,000 एम्बुलेंस है, 140 करोड़ लोगों के सिर्फ 35,000 एम्बुलेंस है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत कमी है। तो देखिए, एक फाउंडेशन बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं पहुँच सकती, पर जितना हमारा सामर्थ्य, हमने आज एक पहला एम्बुलेंस डोनेट किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा, इस वित्त वर्ष में 3 से 5 एम्बुलेंस डोनेट करने का हमारा निश्चय है। अभी इसको हम पूरी तरह से निःशुल्क रख रहे हैं, 24/7 अवेलेबल रहेगी। ये फुली इक्विप्ड है, फुली मॉडर्न व्हीकल है जी, और इसके साथ 3 महीने बाद इसे रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद हम अपना और आगे का एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। किस तरह से अवेलेबल रहेगी लोगों के लिए? स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इसको चलाया जाएगा। ये पहले एम्बुलेंस को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसको पूरी तरह से अपने तौर पे चलाएंगे, पर प्रशासन जितना हमारी सहायता करेगा या जितना प्रशासन इसमें हमें सहयोग करेगा, उसके लिए हम तो पूरी तरह से स्वागत है। टोल फ्री नंबर, जो नंबर है हमारा अभी एम्बुलेंस पे है, बट ये नंबर हमारा अभी मोबाइल नंबर है, इसके लिए हम कॉल सेंटर का अपना 24/7 नंबर देंगे, जहाँ पर हमेशा अधिकारी रहेंगे। कॉल सेंटर भी जो है स्थापित किया जाएगा इसके लिए। कॉल सेंटर हमारा ऑलरेडी डिविसा का है, उसमें 2 नंबर हम एम्बुलेंस के लिए इसको अलग से रख दीजिए। तहे दिल से खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे इस काबिल हैं कि वो समाज के लिए कुछ कर सके। अपनी अपनी लाइफ में सेट हो गए हैं और अब वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तहे दिल से उन पर प्राउड है, खुशी है। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।